हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुग्राम के जिला उपायुक्त अमित खत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला उपायुक्त को शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है और यह जानकारी दी है। बता दें कि 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। डीसी ने अपील की है कि चुनाव को लेकर कोई भी शिकायत 1950 टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही इस बार गुरुग्राम में ज्यादा पिंक बूथ मॉडल बूथ की संख्या होगी, जिससे लोगों को मतदान के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। वन 950 के साथ साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप भी रहेगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप चुनाव आयोग के द्वारा ही बनाई गई है और वही मेंटेन करते हैं। इसमें सारी मतदाता रिलेटेड सूचना रहती है, जैसे आपका वोट लिस्ट में कहाँ नाम है, कहाँ बूथ है और बाकी बेसिक क्वेरीज। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कि मैंने बताया कि सी विजिल ऐप के द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा। हमारी अपनी टीम्स भी उसको इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में एक्टिव रहेंगी। साथ साथ जो ऑल वुमेन बूथ है, नारी शक्ति बूथ है, उनकी भी संख्या हम बढ़ाएंगे ताकि जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हमें लास्ट टाइम मिला था उसे हम और इन्हांस कर पाएंगे।